हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आलू से बहुत ही यूनिक क्रिस्पी नाश्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि इसमें मैंने बीच में पूछे हैं दो क्वेश्चन और दोनों क्वेश्चन के सही जवाब देने वाले लकी विनर को मिलेगा एक स्पेशल प्राइस। तो इस वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। आइए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक बड़े बाउल में मैदा ली है, जिसे एक मैंने परात में निकाला है या एक बड़े मिक्सिंग बाउल में जिसमें हम आटा गूंथ सके उसमें निकाल सकते हैं। इसमें मैंने नमक डाल दिया स्वाद के अनुसार और ये मैंने अजवाइन ली है जिसे मैंने हाथों से हल्का क्रश करते हुए डाला है। अब इसमें मैं ऑयल डाल देती हूँ। लगभग 3 टेबलस्पून ऑयल मैंने इसमें ऐड किया है और इन तीनों चारों चीज़ों को मैं हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने आटे में सब चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लिया मैदा में। अब इसका मेरे को आटा जो है वो गूंथ कर तैयार करना होता है। तो उसके लिए इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंथ के तैयार करती हूँ, एक डो बना लेती हूँ। मुझे थोड़ा नरम डो बनाकर तैयार करना है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए उसी हिसाब से मैं इसका डो बना लेती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है ताकि ये रेसिपी आप इजीली अपने घर पे बना सकें और जो दोनों क्वेश्चन मैंने रेसिपी में पूछे हैं उनके जवाब दे सकें। और मैं अब अपने हाथों को थोड़ा ऑयल से चिकना करते हुए आटे को भी खूब अच्छे से मल लेती हूँ और एकदम चिकना कर लेती हूँ। ये मेरा आटा जो है गूंथ के तैयार है, बिल्कुल नरम आटा बन गया है। अब इसके मैं सेट होने के लिए रख देती हूँ। स्टफिंग तैयार करती हूँ यहाँ पे मैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं, 3 उबले हुए आलू लिए हैं। इनको मैं मैश कर लेती हूँ हाथों से ही। मुझे इन आलू को अच्छे से मैश करना होता है तो पहले मैंने यहाँ पे ये हाथों से इन्हें मैश किया। उसके बाद मैं स्पून से भी इसको थोड़ा चलाते हुए मैश कर लेती हूँ, गुठलियाँ ना रहें इसमें। ताकि अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल देती हूँ। इसके बाद ये मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिए हैं वो डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसमें रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं और अगर कुटी हुई लाल मिर्च हो तो वो भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रीन चटनी यानी कि धनिया की ग्रीन चटनी, तीखी चटनी जो आती है वो डाली और ये 1 टेबलस्पून टमाटो केचप यानी कि टमाटो सॉस डाल दिया। थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दी और ये मेरी चीज़ है कॉटेज चीज़, जो आजकल मार्केट में पहले से ही ग्रेट करके मिलती है वो वाली चीज़ डाल रही हूँ, स्लाइस चीज़ जो कहते हैं। अगर आपके पास ये हो ये डाल सकते हैं, नहीं तो आप मोज़रेला चीज़ को नॉर्मल घर पे कद्दूकस करके डाल सकते हैं। अब इन्हें खूब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये मार्केट में डाइस चीज़ के नाम से आती है। और देखिए ये मेरी स्टफिंग तैयार हो चुकी है, सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है। यहाँ पे इतनी देर में मेरा आटा भी जो है सेट हो गया है तो इसे एक बार मैं और अच्छे से मल लेती हूँ। अब इसके बाद मैं इसमें आटे की लोई लेती हूँ, एक थोड़ी बड़ी लोई बनाती हूँ मैं, पार्ट लेते हुए इसकी गोल गोल करते हुए लोई बना लेती हूँ। और मैं इसे स्लिपरी बेलूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा बड़ा बेलना है और चकला थोड़ा छोटा होता है, इसलिए मैंने थोड़ी सूखी मैदा जो है स्लिपरी डाली और इसे गोल गोल बेलती जाती हूँ। जैसे हम नॉर्मल परांठे रोटी बेलते हैं उसी तरीके से बेलना होता है, बस इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है क्योंकि हमने मैदा भी ज़्यादा ली है, इसकी जो पार्ट होता है गूंथी हुई मैदा का। और देखिए इस तरीके से मैंने इसको गोल गोल बेल लिया है, उतना ही पतला मोटा रखना होता है। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। इतना मोटा पतला आपको रखना होता है। ये अब मेरा अच्छे से बिल गया है। अब इसके ऊपर मैं चारों तरफ अच्छे से फैलाते हुए स्टफिंग लगा देती हूँ। अच्छे से मुझे फैलाते हुए स्टफिंग को लगाना है, हर एक कोने में, हर एक बीच में, बिल्कुल पतली लेयर की स्टफिंग जो है लगानी है। और हल्का हाथों से ही मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ, आप स्पून से भी प्रेस कर सकते हैं। इस तरीके से सेट कर लिया है। अब मैं एक कोना उठाते हुए इसको बहुत टाइटली रोल करती हूँ, एकदम टाइटली करना, हल्के से रोल नहीं करना, थोड़ा टाइटली रोल करना है और फिर हाथों से इसको इस तरीके से रोल बनाते हुए हल्का बड़ा कर लेना है, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। इस तरीके से ये मैंने तैयार कर लिया है। मैं इसके साइड कॉर्नर्स हैं वो कट कर लेती हूँ क्योंकि साइड कॉर्नर्स के हम इसमें स्ट्रिंग भी नहीं है निकले रहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें कट करके तो अलग कर दिया, अपनी मैदा में ही मिक्स कर लिया है। अब बाकी के मैं पीसेस कट कर लेती हूँ, थोड़े बड़े छोटे नॉर्मल साइज के इसे पीसेस कट कर लेती हूँ।
काफ़ी सारे पीसेस कट हो जाते हैं 8-10 पीस, और फिर इसको एक एक पीस करके थोड़ा प्रेस करती हूँ। ये चीज़ आप वीडियो में देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इन्हें प्रेस किया है। और इसी तरीके से मुझे सारे जो रोल्स हैं अपने, इसे आलू चीज़ रोल्स भी बोल सकते हैं आप, वो मैं तैयार कर लेती हूँ। फिर से दोबारा से मैदा लेती हूँ, उसकी एक लोई बनाती हूँ थोड़ी बड़ी लोई, और दोबारा से इसे स्लिप पर हल्का सा सूखी मैदा डाल के इसको बेल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे मैंने सारे रोल बना लिए हैं, और अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की बारी आ गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमने कौन कौन सी सॉसेस इस रेसिपी में ऐड की हैं, विच ऑल सॉसेस आर एडेड इन दिस रेसिपी। अब मैं एक छोटा बाउल लेती हूँ, इसमें मैं 3 स्पून कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ, थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ स्वाद के लिए, और हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं ताकि इससे थोड़ा कलर भी अच्छा आ जाता है। फ्रेंड्स, इसे मैंने 2 तरीके से बनाया है इस नाश्ते को, तो वीडियो को आपको एंड तक वैसे भी देखना था, और अब तो और ज़्यादा देखना है कि कौन से 2 तरीके से ये नाश्ता बनके तैयार हो सकता है। अब मैंने हल्का पानी डाला और इसका एक पेस्ट बना लेती हूँ। गाढ़ा पतला कितना रखना है इसकी कंसिस्टेंसी अभी मैं आपको दिखा दूंगी। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें, इसे चलाते हुए इसका एक बैटर टाइप, पेस्ट टाइप बना लेती हूँ। देखिए, इतना गाढ़ा पतला मुझे इसका पेस्ट रखना होता है। इसके बाद यहाँ पे एक पैन में मैंने ऑयल गरम पहले से ही कर लिया है। अब एक एक रोल लेती हूँ, इसमें मैं डिप करती हूँ ये कॉर्नफ्लोर वाले पेस्ट में, और इसे मैं पैन में डालती जाती हूँ, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसी तरीके से मैं जितने रोल आपको अभी एक बार में आ जाए पैन में, उतने रोल मैं इसमें डाल के डीप फ्राई कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये नाश्ता शाम को बनाना है या कोई गेस्ट के सामने बनाना है, तो आप ये रोल बना के फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी कोई आए आप तुरंत इन्हें डीप फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। तो ये इस बारे में भी बहुत आसान है कि आपको एंड टाइम पे सारी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप पहले से ही करके रख दीजिए, बस गर्मा गर्म जब भी आपको खाने का मन हो डीप फ्राई कीजिए और सर्व कीजिए। ये सारे रोल डाल दिए, अब मैं गैस को थोड़ा मीडियम सिम करके इन्हें पलट पलट के डीप फ्राई कर लेती हूँ। अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो झटपट उसे लाइक कर दीजिए, और जो दोनों क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनके आंसर कमेंट्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इन्हें मैं पलट पलट के इसी तरीके से डीप फ्राई कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मेरे ये रोल जो है वो डीप फ्राई हो गए हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होके सिककर तैयार हैं। अब मैं इन्हें पैन से निकाल लेती हूँ, एक नैपकिन के ऊपर निकालती जाती हूँ। अब मैं आपको दूसरी तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से आप इन्हें कर सकते हैं। अब आप इन्हें डायरेक्ट भी डीप फ्राई कर सकती हैं। अब आपको इसमें कॉर्नफ्लोर का जो मैंने पेस्ट बनाया था उसमें डिप करके नहीं, आप डायरेक्ट डीप फ्राई कर लीजिए, तो भी ये बहुत टेस्टी बनती हैं। अब ये आपके ऑप्शनल है कि आपको किस तरीके से बनाना है, आपको डायरेक्ट करना है या फिर कॉर्नफ्लोर में, बस दोनों का ही थोड़ा थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है, लेकिन टेस्टी दोनों लगते हैं। ये भी मेरे डीप फ्राई हो चुके हैं, इनको भी मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और इस तरीके से अपने सारे रोल तैयार कर लेती हूँ। अब मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि कौन कौन से स्पाइसेस यानी कि मसाले मैंने इस रेसिपी में ऐड किए हैं। इसी के साथ मेरी आज की रेसिपी वीडियो जो है कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, और जो आज का लक्की विनर होगा वो मैं कल की वीडियो में अनाउंस करूंगी, तो वो आप देखते रहिए। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ भी अपने विनर का नाम अनाउंस करूंगी। तो अब मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।